हिंदू समाज कुंडली में मांगलिक दोष से हमेशा परेशान रहता है, विशेष तौर पर कन्या की कुंडली में। कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष से परेशानी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुनर्विवाह का बंधन, आर्थिक तौर पर पुरुष पर निर्भरता एवं देर से विवाह का होना या अजन्म कुंवारी रहना। हम सब इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। 40% कुंडलियां मांगलिक होती हैं। समानता लोग नहीं जानते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मंगल दोष का परिहार जन्म कुंडली में स्वयं हो जाता है, और अगर नहीं हो तो फिर मंगल दोष को कैसे दूर करें, उपाय करें जिससे मंगल का कुप्रभाव क्षीण हो। तो आइए अब हम उन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उन योगों को जानेंगे जिनके कारण कुंडली में मांगलिक दोष होता है, उनके बाद हम मंगल के कुप्रभाव को जानेंगे और साथ ही मंगल दोष का परिहार और उन उपायों पर भी प्रकाश डालेंगे जिनके कारण मंगल दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव मंगल की उपस्थिति होने पर मंगल दोष होता है। विद्वानों का मत है कि लग्न शरीर का, चंद्र मन का और शुक्र रति सुख का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लग्न से, चंद्र लग्न से व शुक्र लग्न से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश में मंगल स्थित हो तो मंगल दोष होता है। जन्म पत्रिका में जिन 5 स्थानों से मंगल दोष बनता है उनमें से किसी में भी यदि कोई एक क्रूर या पापी ग्रह मंगल के साथ या अलग स्थित हो तो 2 गुना, 3 हो तो 3 गुना, 4 हो तो 4 गुना, और यदि इनमें 5 पापी ग्रह एक साथ या अलग अलग स्थित हो तो जन्म कुंडली में 5 गुना दोष हो जाता है। लग्नस्थ मंगल दोष, लग्नस्थ मंगल व्यक्ति को क्रोधी पहाटी बनाता है क्योंकि यह उग्र एवं आक्रामक ग्रह है। लग्नस्थ मंगल की चतुर दृष्टि सुख स्थान पर गृहस्थ को बिगाड़ती है, सप्तम दृष्टि पति के स्थान पर होने से दाम्पत्य सुख को खत्म करती है, अष्टम दृष्टि पति पत्नी दोनों के लिए मारक होती है। द्वितीय मंगल, द्वितीय भाव धन वाणी व कुटुंब का स्थान है। इस भाव में बैठा मंगल जातक जातिका को परिवार विहीन करता है। द्वितीय मंगल की दृष्टि क्रमशः पंचम, अष्टम व नवम पर पड़ती है। अतः मंगल की द्वितीय भाव में स्थिति जातक जातिका को पुत्र से वंचित करती है व उनके लिए मारक व दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होती है। पापाक्रांत द्वितीय भावस्थ मंगल परिवार में विकट स्थिति उत्पन्न कर संबंधों को बिगाड़ता है। चतुर्थ भावस्थ मंगल, चतुर्थ भावस्थ मंगल जातक जातिका के सुख स्थान पर स्थित होता है। इस स्थिति में वो अचल संपत्ति को देता है किंतु सुख शांति छीन लेता है। मंगल की अशुभ दृष्टि पति के स्थान पर होने से पति से संबंध मधुर नहीं रहते, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बना रहता है। चतुर्भाव मंगल जीवन साथी को सुख आनंद देने में असमर्थ रहता है। मंगल का दोष क्षीण मंगल दोष माना गया है। मंगल की दृष्टि सप्तम, दशम व एकादश भाव पर रहती है। ऐसा मंगल पति पत्नी को अलग करता है, यदि पापाक्रांत ना हो तो अपनी मारक दृष्टि का संधान नहीं करता। सप्तम भाव मंगल, सप्तम भाव पति पत्नी का स्थान माना गया है। सप्तम स्थान का वैवाहिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में मंगल होता है उसके दाम्पत्य सुख में बाधा आती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव व स्वभाव में उल्टा रहती है। सप्तम भाव मंगल लग स्थान, धन स्थान व कर्म स्थान पर दृष्टि डालता है, जिससे धन हानि, विकृति संतान, दुर्घटना, चारित्रिक पतन तथा व्यवसाय में अवरोध होता है। मंगल की यह स्थिति दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न कर पति पत्नी को अलग अलग रहने को बाध्य करती है। शोध से पता चला है कि किसी भी राशि का सप्तम भाव मंगल अपना कुप्रभाव देता ही है, अतः मंगल दोष का परिहार कर लेना चाहिए। सप्तम भाव मंगल जातक जातिका को प्रबल मंगली बनाता है। ऐसे मंगल को कांत घाती नाम भी दिया गया है। ऐसा मंगल वृद्धकुल कष्ट देता है या तलाक की स्थिति उत्पन्न कर पति पत्नी को अलग कर देता है। अष्टम भावस्थ मंगल, अष्टम भावस्थ मंगल मंगल दोष की पराकाष्ठा है। अष्टम भाव से हमें जातक के जीवन
में विघ्न बाधा अनिष्ट आयु विषाद मृत्यु मृत्यु का कारण एवं मृत्यु का स्थान ज्ञात होता है। स्त्री की जन्मकुंडली में यह स्थान स्वभाव सूचक माना गया है। अष्टम भाव मंगल संपूर्ण रहित सुख का नाश करता है। शारीरिक सौंदर्य का बिगड़ना जीवन सहचर की मृत्यु अपयश आदि मंगल की इस स्थिति के परिणाम है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर होने से धन का नाश तथा पराजय होती है। अष्टम भाव मंगल वृष कन्या मकर का हो तो कुछ शुभ होता है। मकर का मंगल संतानहीन बनाता है। मंगल यदि कर्क वृश्चिक मीन का हो तो जातक की जल में डूबकर मृत्यु का डर रहता है और उसे परिवार का तिरस्कार करना पड़ता है। द्वादश भाव मंगल द्वादश भाव से भोग त्याग शया सुख निद्रा यात्रा व्यय क्रय शक्ति और मोक्ष का विचार किया जाता है। मंगल द्वादश भावक हो तो जातक जातिका मंगल दोष से ग्रस्त होते हैं। पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं रहता, जीवन टूटकर बिखर जाता है। जातक क्रोधी कामुक और दुष्कर्मी हो जाता है। उसे धन का अभाव हो जाता है, उसकी दुर्घटना होती है, वो रक्त विकृति गुप्त रोग आदि व्याधियों से पीड़ित होता है और वह पत्नी की हत्या भी कर सकता है। द्वादश भाव मंगल पति पत्नी के बीच तीसरे की उपस्थिति दर्शाता है, अर्थात दोनों के मध्य तीसरा व्यक्ति जीवन में आ जाता है, जिसके कारण आपसी मतभेद तथा तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जीना मुश्किल हो जाता है। मंगल दोष परिहार सर्वमान्य नियम यह है कि मंगल दोष से ग्रस्त कन्या का विवाह मंगल दोष से ग्रस्त वर से ही किया जाए तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लग्न में मेष राशि का मंगल, चतुर्थ में वृश्चिक राशि का मंगल, सप्तम में मकर राशि का मंगल, अष्टम में कर्क राशि का मंगल तथा द्वादश में धनु राशि का मंगल हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। कन्या की कुंडली में मंगल दोष हो और वर की कुंडली में उसी स्थान पर शनि हो तो मंगल दोष का परिहार स्वयं हो जाता है। माना जाता है कि आयु के 28वें वर्ष के पश्चात मंगल दोष क्षीण हो जाता है। अनुभव में आया है कि मंगल अपना कुप्रभाव हर हाल में डालता है। लग्न में बुध व शुक्र हो तो मंगल दोष नहीं होता। वर की कुंडली में मंगल दोष हो व कन्या की कुंडली में मंगल स्थानों पर सूर्य शनि व राहु हो तो मंगल दोष का परिहार स्वयं हो जाता है। और भी ऐसे बहुत से नियम हैं जिनसे मंगल दोष का परिहार स्वयं हो जाता है। मंगल दोष निवारण मंगल दोष के निवारण हेतु वट सावित्री व्रतानुष्ठान या मंगला गौरी व्रतानुष्ठान करें, क्योंकि व्रतानुष्ठान से अशुभ फल को शुभ फल में बदला जा सकता है। व्रत का चयन जन्मांक के अनुरूप करें और ये ध्यान में रखें कि कुछ दोष कितना प्रभावी है। वर वधु दोनों के पाप ग्रहों के प्रभाव का काम करने के बाद ही निर्णय लें कि मंगल दोष का निवारण हो गया है या नहीं। अतः किसी विद्वान ज्योतिषी से ही कुंडली का मिलान करवाएं। मंगल दोष के कारण या किसी अन्य समस्या की वजह से यदि कन्या का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो वैदिक ज्योतिष परिषद के केंद्रों पर उपलब्ध निःशुल्क गौरी पूजन विधि व स्तुति आज ही प्राप्त करें और शीघ्र और कन्या का विवाह संपन्न करें। हरिओम।